हेलो दोस्तों, नासरीन इलेक्ट्रिक में आपका फिर से स्वागत है। सो कैसे हैं आप सब? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्तों फराटा फैन मोटर में डबल कैपेसिटर की कनेक्शन किस तरह से की जाती है, यानी कि सिंगल स्पीड वाले पंखे को हम डबल स्पीड में किस तरह से चला सकते हैं। यानी कि पहला मोड जो हमारी होगी दोस्तों वो स्लो मोड होगी, दूसरा मोड जो हमारी होगी दोस्तों वो फास्ट मोड होगी। यानी कि स्लो और फास्ट में इस पंखे को हम किस तरह से चला सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपने YouTube पे तो काफ़ी सारी वीडियो देख लिया होगा यानी कि इसकी कनेक्शन के ऊपर, बट फ्रेंड्स वहाँ पे आप जो नहीं समझ पाए होंगे यानी कि इसका प्रॉपर जो कनेक्शन करने का सही तरीका क्या होता है आपको वो नहीं बताते हैं। उनका जो बताने का तरीका होता है दोस्तों वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसकी कनेक्शन किस तरह से करना होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिए, मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं आप अपने मन से अपने पंखे में डबल कैपेसिटर की कनेक्शन कर पाएंगे, यानी कि अपने पंखे को आप जो है स्लो मोड और फास्ट मोड में चला पाएंगे। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताने की आपको कोशिश करूंगा और आप जो है अच्छे तरह से समझ भी जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी हमेशा से कोशिश यही रही है कि जो भी बात आपको मैं बताऊं दोस्तों आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अभी तक वीडियो का लाइक नहीं किया ना तो एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक करने से हमारी मनोबल बढ़ती है, हम जो इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं हमें खुशी मिलती है कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता है। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, साथ फ्रेंड चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियोज होगी आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चलिए फिर टाइम को बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करनी है, इस मोटर को ओपन कर लेनी है, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ की ध्यान रखनी है, आपकी कॉमन जो वायर होगी दोस्तों वो कौन सी है, यानी कि जो हमारी सप्लाई की वायर जिसपे कनेक्ट रहती है वो हमारी कौन सी है। तो इसमें जो हमारी कॉमन वायर दोस्तों ये हमारी रेड वायर है, यानी कि इसमें हमें जो है न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करनी होती है। बाकी जो हमारी यहाँ पे बच रहे हैं दोस्तों ये हमारी कैपेसिटर के लिए, यानी कि एक हमारी रनिंग की लूप है और एक हमारी स्टार्टिंग कॉइल की लूप है। दोस्तों इस दो लूप पे हमें यहाँ पे जो कैपेसिटर की वायर को कनेक्ट करनी होती है। ऐसे तो फ्रेंड्स इस मोटर से हमारी यहाँ पे जो है तीन वायर निकल के आई है, रेड येलो ब्लैक, यानी कि कॉमन हमारी यहाँ पे जो है रेड है, येलो हमारी स्टार्टिंग की है, और ब्लैक दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है रनिंग कॉइल की है। तो काफी पंखे में आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल सकती है आपके मोटर से चार वायर निकल के आएंगे। जिस पंखे में फ्रेंड्स हमारी चार वायर निकल के आती है उस पंखे में हम कैसे पता करेंगे कि हमारी कॉमन वायर कौन सी है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों इस मोटर को आप देख लीजिए, इस मोटर से हमारी यहाँ पे जो चार वायर निकल के आई है, दो यहाँ पे येलो है, दो यहाँ पे ग्रीन है। दोस्तों जो हमारी दो लूप होगी ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल की है, और दो हमारी यहाँ पे येलो है दोस्तों ये हमारी रनिंग कॉइल की लूप है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कॉमन बनाना पड़ता है बाहर से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आप रेड वायर देख रहे हो यहाँ पे ये कॉइल के अंदर से ही, यानी कि एक स्टार्टिंग की और एक रनिंग की एक एक लूप को लेके दोस्तों ज्वाइन करके जो हमारी वायर निकली है दोस्तों ये रेड वायर ये हमारी कॉमन है। बट फ्रेंड्स इस मोटर से हमारी क्या हुई है, जहाँ से हमारी कॉइल शुरुआत होती है और जहाँ से जाके कॉइल हमारी ख़त्म होती है वाइंडिंग होना, तो उसी दो पॉइंट पर से ये हमारी लीड निकल के आई हुई है। तो हमें यहाँ पे कॉमन बनाने के लिए सिंपली हमें क्या करनी है, एक यहाँ पे हमें जो रनिंग कॉइल की लूप और एक स्टार्टिंग कॉइल की लूप, यानी कि एक येलो वायर को और एक ग्रीन वायर को आपस में हमें यहाँ पे जो कनेक्ट कर लेनी है दोस्तों, ये हमारी हो जाती है कॉमन वायर। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपकी दो लूप नजर आ रही है दोस्तों ये हमारी कैपेसिटर की लूप है, यानी कि इस लूप पे हम कैपेसिटर की वायर को कनेक्ट करेंगे। एक कैपेसिटर की वायर को हमें यहाँ पे कनेक्ट करनी है, एक कैपेसिटर की वायर को हमें जो है यहाँ पे कनेक्ट करनी है। सप्लाई फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक कॉमन पे और एक येलो पे। अगर इस सिचुएशन में हमारी मोटर उल्टी चल जाती है तो हमें क्या करनी है, येलो प्लस येलो वायर को हमें एक्सचेंज कर लेनी है, या फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे ग्रीन प्लस ग्रीन वायर को एक्सचेंज कर लेनी है। 100% आपकी मोटर की जो डायरेक्शन है दोस्तों वो सीधी हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं, यानी कि कॉमन वायर की। सीरीज टेस्ट लैंप के जरिए दोस्तों हमें कॉमन वायर की पहचान किस तरह से की जाती है अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो है डबल स्पीड बनाने के लिए हमें क्या करनी है, दो कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो है 2.5 MFD की दो कैपेसिटर ले लिया है। बेहतर फ्रेंड्स यहाँ पे यही रहेगा कि आप जो है 2 MFD की जो है दो कैपेसिटर लें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो है 2.5 MFD की दो कैपेसिटर लेनी है, 3 MFD के में जो कैपेसिटर यूज नहीं करनी है, यानी कि 2.5 MFD की दो कैपेसिटर तक यहाँ पर हम आसानी से यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो है रेगुलेटर की बात आती है, तो रेगुलेटर के अंदर यहाँ पे आपको जो है तीन टर्मिनल देखने को मिल रही है, यानी कि ऊपर के साइड से यहाँ पे आपको एच नज़र आ रही है, ये फ्रेंड्स हमारी हाई मोड के लिए है। बीच में आपको यहाँ पे जो एम नज़र आ रही है दोस्तों ये हमारी मेन लाइन की, यानी कि इनपुट वायर हमें यहाँ पे जो कनेक्ट करनी होती है, मेन लीड की एक वायर को यहाँ पे मुझे कनेक्ट करनी होती है। यहाँ पे नीचे में आपको देख सकते हैं एल नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पे लो स्पीड की है। तो रेगुलेटर के बारे में हमने यहाँ पे जो जान लिया है, यानी कि
ये स्विच हमारी कुछ इस तरह से काम करती है, यानी कि यहाँ पे ऑफ होगी, यहाँ पे एक हमारी स्लो चलेगी, यहाँ पे हमारी फास्ट चलेगी, फिर से यहाँ पे हमारी ऑफ हो जाएगी, यानी कि दो जगह आपको यहाँ पे जो ऑफ हो जाएगी और दो जगह यहाँ पे आपकी रन करेगी। तो सबसे पहले स्विच ले लेनी है, तो स्विच हमने यहाँ पे जो ले लिया है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करनी है, सप्लाई देने के लिए हमें मेन लीड ले लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने मेन लीड भी ले लिया है। यहाँ पे आपको क्या करनी है, मेन लीड की एक वायर ले लेनी है। और दोस्तों इसे मैं बीच वाली टर्मिनल पे, यानी कि आपकी जहाँ पे एम लिखा होगा, एम वाले हिस्से पे दोस्तों इस वायर को हमें कनेक्ट कर लेनी है। तो चलिए इस वायर को हम एम वाले हिस्से पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप वायर को जोड़ेंगे तो हो सके तो यहाँ पे सोल्ड कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब आप वायर जोड़िएगा तो हो सकता है यहाँ पे स्पार्क भी करेगा। और यहाँ पे स्पार्क जब हमारी स्विच करती है दोस्तों, तो हमारी स्विच जो है ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। तो सोल्डरिंग अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पे स्पार्क आने की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करनी है, इस वायर को ले जानी है आपको कॉमन वायर पे, यानी कि एक सप्लाई की वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, दूसरी जो हमारी वायर बच रही है दोस्तों इस वायर को हमें यहाँ पे जो कॉमन, यानी कि जो आपकी रेड वायर होगी उस पर आपको जो है कनेक्ट कर लेनी है, यानी कि जो भी आपकी कॉमन वायर होगी उस पर आपको जो है इस वायर को कनेक्ट कर लेनी है। इस वायर को भी हमें यहाँ पे क्या करनी है, टेप कर लेनी है। इस वायर से भी हमें कोई भी मतलब नहीं है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है इसे वायर को जो है कवर कर लेते हैं। इस तरह से जब हम वायर को कवर कर लेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हमें जो है दो वायर बच रही है, यानी कि कैपेसिटर की वायर को कनेक्ट करने के लिए। अभी क्या करनी है, आपको यहाँ पे जो है दो कैपेसिटर ले लेनी है। सो हमने यहाँ पे जो है ले लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करनी है, कैपेसिटर की एक एक, यानी कि दोनों कैपेसिटर की एक एक वायर लेके और दोनों वायर को आपस में मच कर लेनी है, यानी कि हमें यहाँ पे जो ज्वाइंट कर लेनी है एक साथ। ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों हमें इस वायर को ले जानी है स्टार्टिंग की लूप पे। स्टार्टिंग की लूप दोस्तों हमारी यहाँ पे जो है ये हमारी येलो वायर है, तो इस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। कहीं इसे भी यहाँ पे टेप कर लेनी है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपकी फोर वायर होगी तो आप यहाँ पे जो है स्टार्टिंग वाली लूप पे ज्वाइंट कर लीजिएगा। कैपेसिटर की यहाँ पे दो वायर बच रही है दोस्तों, इस वायर को हमें क्या करनी है, एक कैपेसिटर की वायर लेके और हमें यहाँ पे जो है ब्लैक पे कनेक्ट कर लेनी है। इस वायर को हमें ले जानी है दोस्तों कहाँ पे, आइए आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो आपको एच दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करनी है, इस वायर को कनेक्ट करनी है। एच के जगह पे आपको किसी किसी स्विच में पी भी नजर आएगी, तो पी वाले जगह पे आपको यहाँ पे जो है कनेक्ट कर लेनी है। अभी फ्रेंड्स जो हमारी लास्ट लूप बच रही है कैपेसिटर की, इस लूप को हमें ले जानी है यहाँ पे, जो हमारी लास्ट टर्मिनल बच रही है इस पे हमें ले जानी है। तो आइए इस वायर को हम इस वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे जो कनेक्शन जो है कर लिया, आप देख सकते हो हमारी डबल कैपेसिटर की कनेक्शन हो चुकी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करनी है, अगर यहाँ पे आप सप्लाई देते हैं तो आपकी यहाँ पे जो एक ही मोड में चलती है, तो आपको क्या करनी है, इस वायर को यहाँ से खोल के यहाँ कर लेनी है और इस वायर को यहाँ से खोल के यहाँ कर लेनी है, यानी कि डबल स्पीड में आपकी यहाँ पे जो पंखा जो है चलने लगेगी। आइए आपको मैं यहाँ पे रन करा के दिखाता हूँ हमारी पंखा दोस्तों, ये हमारी चलती है कि नहीं। फ्रेंड्स अभी मैं सप्लाई दे रहा हूँ पंखे में और देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी पंखा ये दो चाल में चलती है कि नहीं। तो अभी दोस्तों हमारी ये पंखा नहीं चली है, आइए हम स्विच को घुमाते हैं, नहीं चली अभी दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पर हमारी जो है, ये आपने देखा यहाँ पे ये हमारी हाई मोड में चली है, तो ये हमारी हाई मोड है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारी जो स्लो मोड में आ गई है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे हवा के जरिए से भी आप समझ सकते हैं ये अभी स्लो में चल रही है, अभी यहाँ पे हमारी जो है ये हाई में चल रही है। तो आपको हवा से पता चल रहा होगा, आपको यहाँ पे जो है हवा से पता चल रहा होगा कि हमारी मोटर की जो डायरेक्शन है ये 100% सीधी भी है और यहाँ पे स्लो और फास्ट में किस तरह से काम कर रहा है वो चीज़ भी आपने देख लिया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हवा जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और काफ़ी कम हो रही थी। इस तरह से आप भी अपने पंखे को डबल स्पीड में चला सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी भाई सोच रहे हैं कि हमारी पंखा जल जाएगी, बट फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने कैपेसिटर आपको बताया यूज करने के लिए, आप वही कैपेसिटर यूज कीजिए, यानी कि 2 MFD की 2 कैपेसिटर या फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 2.5 MFD की 2 कैपेसिटर, इससे ज़्यादा MFD की आपको कैपेसिटर यूज में नहीं लेनी है। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को पसंद जरूर आई होगी, सो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी आने वाली वीडियो जो कि आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो और किसी नए फोल्ड के साथ, तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय बाय।